गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस है, प्लस इसमें हम करंट अफेयर क्वेश्चन प्लस रीजनिंग। तो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैंने ना SI के भी कुछ PDF डाले हैं और अच्छी अच्छी PDF सब डालने वाला हूँ, तो ज्वाइन कर लेना। पहला क्वेश्चन, संयुक्त तो वाक्य नहीं है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए संयुक्त तो वाक्य कहाँ से आ गया। एक होता है आपका वाक्य, वाक्य रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। ठीक है, तो देखो और लग रहा है, अथवा लग रहा है, अतः लग रहा है या कौमा लग रहा है, इनसे पहचान हो जाती है कि ये क्या है, संयुक्त। यहाँ वहाँ, जहाँ वहाँ, ये वे, की, जो, सो, ये सब किस में आते हैं, मिश्र में। तो चौथा क्या है आपका, मिश्र वाक्य। आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने इतना समझाया कि होगा होगी किस में आते हैं, संदिग्ध। अब लिखता होगा, तातीते किस में आते हैं, तातीते ये आते हैं वर्तमान में। तो आंसर क्या लगा देंगे आप, बी। आंसर क्या लगा देंगे, बी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है पूर्ण भूतकाल। एक चीज़ याद रखना, भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। पूर्ण भूतकाल देखो, खेल रहा था, ये तो अपूर्ण हो गया, रहा रही किस में आते हैं, अपूर्ण में। ठीक है, होता होती किस में आते हैं, संदिग्ध में। अब देखो, मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, आज से 10 साल पहले गया हूँ या आज से 2 दिन पहले गया हूँ, मगर चला गया था, पहुँच गया ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, पूर्ण हो गया काम। नेक्स्ट, मुझे ये पुस्तकें मित्र को देनी है, तो उद्देश्य बताना। तो देखो, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। ठीक है, उद्देश्य कौन होता है, जो कर्ता होता है, जैसे मुझे, ये क्या हो जाएगा इसमें, उद्देश्य। और मुझे क्या है इसमें, ये सर्वनाम, क्या है, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम है, ठीक है, याद रखना। पुस्तकें क्या है इसमें बताओ, जातिवाचक संज्ञा। मित्र भी क्या है इसमें, जातिवाचक। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं, मिश्र वाक्य नहीं है। देखो, मैंने बताया था ना, जब तब, ये तो है, कि आ जाए, ये भी है, जिस शहर में गया था वहाँ, जहाँ वहाँ, इस तरीके से, ये भी है, मगर ये जो वाक्य ना, ये सरल वाक्य, एक उद्देश्य एक विधेय है इसमें। ठीक, देखो इसमें और किंतु परंतु आ रहा है, नहीं आ रहा है, कि आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो सो आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए क्या, सरल वाक्य। आंसर है ए। देखो, ये अगर आ गया ना, तो कोई सोच ही नहीं सकता कि ये सरल वाक्य होगा, इतना बड़ा सा, कि सब लोग क्या बताते हैं ट्रिक, कि छोटा वाक्य सरल वाक्य होता है, ऐसा नहीं आ जाएगा। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य बताना है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा बताओ, तो अशुद्ध वाक्य इसमें से, नाश्ता खिलाया नहीं जाता, कराया जाता है, मैंने उसे नाश्ता कराया, नाश्ता कराया। आंसर है ए, खिलाते नहीं है कभी। ठीक है, बाकी सारे सही हैं, एक ही तो अशुद्ध होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो फिर यहाँ पे की आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य को आप संज्ञा उपवाक्य भी कह सकते हो, क्योंकि मिश्र वाक्य का ही भेद होता है संज्ञा उपवाक्य, और उसके अंदर भी बीच में की आता है। आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका ए, ये तो अलग से बता दिया। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें बताना है। तो देखो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे ना, तो उसमें कई बार आया था कुछ टाइम पहले, 3-4 महीने पहले टिड्डियों का हमला हुआ था, तो कहते थे टिड्डियों का दल, टिड्डी दल ने सारी फसल नष्ट कर दी, ये आता था। मंडली किसकी होती है, मंडली तो होती है जैसे संतों की मंडली होती है, किसकी होती है, संतों की होती है। अपेक्षा नहीं, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, क्या होती है, कामना आता है। वह पेट के लिए, नाक नहीं, एड़ियाँ, एड़ियाँ आएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें से क्रिया विशेषण उपवाक्य बताना है। तो क्रिया विशेषण कौन सा होगा, तो एक होता है संज्ञा उपवाक्य जिसमें की आ गया, जो सो, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, ये किसमें आता है, विशेषण, बाकी सब क्रिया विशेषण। देखो ये क्या हो गया, संज्ञा उपवाक्य, की आ गया संज्ञा उपवाक्य, तो ये काट दो। देखो ये फिर की आ गया, ये भी संज्ञा उपवाक्य, ये 2 कट गए। अब ये 50-50%, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, ये विशेषण उपवाक्य। तो आंसर क्या आ गया, जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिली। आंसर क्या आ जाएगा, बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, अब इसमें से स्त्रीलिंग बताना है। तो देखो, 2 ही लिंग होते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग के 2 अपवाद याद कर लेना, दही और व्याकरण। अपवाद ऐसे कि हम लोग ना इसे डेली लाइफ में स्त्रीलिंग कर देते हैं, मगर ये क्या होते हैं, दोनों पुल्लिंग होते हैं, दही और व्याकरण। देखो, उल्लू अच्छा है, केंचुआ अच्छा है, भेड़िया अच्छा है, बाकी क्या बच गया, आंसर आ गया सी। ये 3 तो क्या हो गए, ये जब पुल्लिंग हो गए तो कौन सा बच गया, यही तो बच गया, ये क्या है, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट, टकासा जवाब देना, इसका मतलब क्या है, स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, बीजारोपण करना, इसका मतलब क्या आता है, इसका मतलब होता है आरंभ करना। आंसर क्या आ जाएगा, सी। अच्छा, गमला है ना, एक चीज़ याद रखना, गमला ना पुर्तगाली भाषा का शब्द है, किसका है, पुर्तगाली। ठीक है, याद रखना ये, और पुर्तगाली का और क्या, आलू, आलपिन, ये भी याद रखना।
आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें से ईएल प्रत्यय किसमें नहीं है? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगते हैं। ये छह भेद होते हैं, इसके पांच भेद होते हैं। अब देखो मरियल में नहीं है, बाकी सब में है। रुको, मरियल नहीं, एक सेकंड। देखो सड़ियल में ईएल, इसमें भी ईएल, इसमें भी। मगर जो नारियल है ना, ये मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द। मूल शब्द को और क्या कहते हैं? रूट शब्द। क्या कहते हैं? रूट शब्द ना, रचना के आधार पर। ऐसे समझो शब्द ना, रूड यौगिक योग रूड, इस तरीके से भी डिवाइड करते हैं। तो उसमें ना रूड शब्द है नारियल। आंसर है ए, ए होगा इसका, दिमाग में रख लें। नेक्स्ट, अब देखो आवट प्रत्यय इसमें नहीं है, तो ये महावट हो जाएगा, बाकी सब में है, इन सब में है। आंसर क्या है इसका? सी। अच्छा प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो संज्ञा ना अर्थ के आधार पर पाँच प्रकार की होती है। अब जातिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? अलवर, गोपाल और नंदन, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मजदूर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। आंसर हो जाएगा ए। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, भाववाचक संज्ञा ना पांच प्रकार से बनाई जा सकती है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। और संज्ञा क्या है? जो ऐसे देखो लिंग की पहचान ना किसके आधार पर होती है? संज्ञा के आधार पर होती है, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। नेक्स्ट, जो परिश्रम करेगा, जो सो, ये सब क्या होते हैं? संबंधवाचक होते हैं। जो सो क्या होते हैं? संबंधवाचक। सर्वनाम के भेद कितने? छः। संख्या कितनी? 11, याद रखना। नेक्स्ट, ताजा फल, फल की विशेषता क्या है? ताजा। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक। विशेषण चार प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। अवस्था इसकी तीन होती हैं, कितनी होती हैं? तीन, मूल अवस्था, उत्तरा, उत्तमा। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो चमार का चमारिन होगा, आंसर आ जाएगा ए, छोटी ही मात्रा आएगी, आंसर है ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, महुल ने खाना नहीं खाया, तो कारक बताना है। कारक को क्या कहते हैं? परसर या विभक्ति चिन्ह। कारक की संख्या कितनी होती है? 8। तो महुल किसने खाना, किसे खाना नहीं खाया जाता? महुल, जो काम करता है ना उसे क्या कहते हैं? कर्ता। आंसर क्या है? सी। संबंध के साथ क्या आते हैं चिन्ह? काकी के रारी रे। करण के साथ क्या आता है? से, मगर जुड़ाव के सेंस में। कर्म के साथ को, मगर सजीव आएगा, निर्जीव कभी कर्म नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट, वे शायद अजमेर जाएंगे, तो बाकी में प्रयुक्त काल बताना है। संभावना है ना, फ्यूचर में जाएंगे, तो वर्तमान तो हो नहीं सकता, आज्ञा देने रखा सामान्य है नहीं, तो क्या संभावना है? आंसर है डी। देखो संदिग्ध होता है किसमें? भूतकाल में, और संभावना किसमें होती है? भविष्यकाल में। और संदिग्ध और संभाव्य दोनों किसमें होते हैं? वर्तमान काल में, ये याद रखो। नेक्स्ट, राम खाना खाता होगा, मैंने बताया ना होगा होगी किसमें आते हैं, बताओ। अपूर्ण होता तो खाना खा रहा, खाना खा रहा होगा, इस तरीके से आता, अपूर्ण में तो रहा रही आते हैं, सामान्य वर्तमान है नहीं। अब आप लोग बताना क्वेश्चन नंबर 9, मैंने ऊपर भी बताया इसी तरीके क्वेश्चन के, होगा होगी किसमें आते हैं। नेक्स्ट, देखो अड़ियल मरियल सड़ियल, देख रहे हो ये ना बदल के द्वारा, ऊपर ही बता रहा था ना, अब देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया, वहाँ नारियल दे रखा था ना, यहाँ नारियल हटा दिया, अब ये केवल ये पूछ लिया इसमें कौन सा प्रत्यय, तो ईएल है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कैसे देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन को दो बार कैसे घुमा के पूछता है। बागवान में क्या है? बाघ प्लस बान, बान प्रत्यय। आंसर है सी। नेक्स्ट, अब इसमें पूछ रहा है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड प्लीज। हाँ, अब इसमें निराश्रित पूछ रहा है, निराश्रित कौन होता है? निराश्रित होता है अनाथ, जिसका नहीं है कोई नाथ, जिसका नहीं है कोई नाथ। इसमें पता है क्या है? आ उपसर्ग, ये भी याद रखना। आंसर है इसका बी। आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट नेक्स्ट, T20 विश्व कप खिताब 2021 किसने जीत लिया? तो जीत लिया ऑस्ट्रेलियन। और एक चीज़ याद रखना, DSSB का कोई पेपर दे रखा हो ना, दे रहा हो आने वाला, तो याद रखना 8 विकेट से जीता है। कई बार ये पूछ लिया है DSSB ने, कितने विकेट या कितने रन से जीता है, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सद्भावना राजपूत के रूप में डेनियल बोहेल को चुना गया है, तो आंसर क्या है? सी। अच्छा ये चीज़ और याद रखना कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ना, इसको 2020 का नोबल प्राइज मिला था, नोबल प्राइज। अच्छा 2021 का किसे मिला है, किसी को पता हो तो बताना। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में लंदन की किस प्रसिद्ध नदी को स्वास्थ्य जांच के दौरान सील, ईल और शार्क पाई गई हैं? तो लंदन में कौन सी नदी है बताओ, तो लंदन में नदी है टेम्स नदी। कौन सी? टेम्स। आंसर आ जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ने पर्यटन श्रेणी में 3 पुरस्कार किस राज्य ने जीते? तो ये जीते हैं उत्तराखंड ने। किसने जीते हैं? उत्तराखंड ने। आंसर आ जाएगा सी। अच्छा इसकी नई कैपिटल बनी थी गैरसैंण। कौन सी बनी थी? गैरसैंण, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये कौन सा मंत्रालय मना रहा है? तो शिक्षा मंत्रालय नहीं, रक्षा मंत्रालय नहीं, विदेश नहीं, तो ये संस्कृति मंत्रालय। आंसर है इसका बी। आंसर क्या है? बी। अच्छा रक्षा मंत्रालय किसके पास है? क्या राजनाथ सिंह के पास है या नहीं है, आप लोग बताना। नेक्स्ट, अभी देखो बाबा पुरेंदर, देखो इनके ऊपर ना
ट्वीट किया था किसने, नरेंद्र मोदी जी ने, तो इसी वजह से ये फेमस है क्वेश्चन। तो पद्म भूषण मिला था इन्हें कब, 2019 में, आंसर है बी। याद रखना बाबा साहेब पुरंदर किससे रिलेटेड है, पद्म भूषण मिला है ना 2019 में, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट है AQI वायु गुणवत्ता में प्रदूषण में कौन से 10 प्रदूषित शहरों में, 3 इंडिया के, तो कौन से होंगे, तो इसमें दिल्ली है नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, दिल्ली तो आएगा ही वैसे भी टॉप पे, आंसर है ए, ऐसे निकाल लेना ना ही कुछ समझ में। तो अभी देखो ये क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, मनुष्य क्या है, स्तनपाई, तो तितली क्या है, कीट, आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट है के का मतलब क्या होता है, के 11 नंबर पे आता है, जैसे ए बराबर ए मान लो, बी बराबर 2, ऐसे के 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, एन आता है 14वें नंबर पे, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो यू का क्या होता है 21वें नंबर पे, 21 का स्क्वायर क्या होगा 441, ऐसे निकाल लो, आंसर क्या है इसका डी। अच्छा आर कितने पे होता है, 18 पे, 18 का होता है स्क्वायर 324, आंसर क्या है डी। नेक्स्ट है देखो, अब इसमें कह रहा है साइंस बराबर 14, मैथ बराबर 10, तो ये कितने हैं इसमें, जैसे देखो 7 वर्ण हैं इसमें, 7 दुनी 14, 5 हैं इसमें, तो 5 दुनी 10, इसमें 11 हैं, तो 11 दुनी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्यारह, 11 दुनी 22, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अच्छा देखो और एक और तरीका बताऊँ, देखो ये ना हमेशा सम संख्या में चलेगा, दुगना करना है ना, तो दुगना करो तो दुगना करने की भी जरूरत नहीं थी, कभी भी सम संख्या के आखिरी में ना 3 और 1 नहीं आता, ऐसे भी निकाल सकते हो, बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी करने का तरीका है वो, देखो 7 का स्क्वायर 49, 16 का 256, 12 का 144, 13 का क्या होता है 169, ये किसका है 14 का है, तो कौन सा अलग हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि इसका इमेज बताना है, इसका मिरर इमेज बताना है, तो देखो एक चीज़ याद है, एन कभी ना सीधा का सीधा नहीं बचेगा, तो देखो ये गलत, ये सीधा एन है, ये सीधा लिख दिया, ये हो सकता है। अब देखो पास में क्या आएगा, ओ आएगा, ए आ नहीं सकता, ए तो दूर है ना, तो दूर आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट, ऐसे निकाल लिया करो, देखो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5, 7 और 9, फिर क्या आएगा 11 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 1, 6 छक 36 प्लस 1 37, और 8 64 प्लस 1 65, 10 का स्क्वायर क्या है 100 प्लस 1 101, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। गाजर सब्जियां मांस, देखो गाजर किसके आएगी, सब्जियों के अंदर आएगी और मांस अलग आएगा, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, देखो घर किससे मिलके बनता है, कमरों से, तो दुनिया किससे मिलके बनती है, तो राष्ट्र से, आंसर आ जाएगा डी। अच्छा सूर्य के पर्यायवाची क्या है, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ठीक है, ये सब याद रखना। अच्छा भूमि के क्या है, भूमि के भू याद रख लो बस, वायु का याद रख लो अनिल। नेक्स्ट, अनिल किसका होता है, अनिल होता है आग का। फोटोसिंथेसिस से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, तो आर नहीं है इसके अंदर, तो प्रोन नहीं बनाया जा सकता, सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि एक के अपोजिट क्या आएगा, तो देखो ऐसे देखो 2 3 2 3 ये दोनों कॉमन है, तो एक के अपोजिट क्या बचेगा 4, तो आंसर आ जाएगा बी। अच्छा एक और तरीका बताऊँ कैसे निकाल सकते हो, एक है एक ही रहा, अब एक के अपोजिट ना तो 3 आ सकता ना 5 आ सकता, क्योंकि ये तो सेम सेम फलक में, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ठीक है, ऐसे देखो अब बच गया 4 और 2। अब देखो यहाँ पे एक है, तो एक के बराबर में 2 दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो बच गया क्या बी, ऐसे भी निकाल सकते हो चाहो तो, नहीं तो वैसे तो जल्दी निकल जाएगा अगर वो समझ में ना आए, याद ना रहे तो। इसी के साथ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इसी के साथ अपना ध्यान रखना, जय हिंद जय भारत।